हाय नमस्कार। तो देखिए आप आपको पता ही है कि आखिरी के 10-12 दिन चल रहे हैं एमबीबीएस इंडिया एडमिशंस के। अब आखिरी 15 दिन में बोलूँ तो बहुत बिजी हो गया हूँ मैं, तो अपने क्लाइंट्स का ही काम करने में, उनको बताने में, फिर भी जितना मेरे बस की होती है तो मैं सोचता हूँ मैं आपको वीडियोस बता दूँ और एक मोटा मोटी जानकारी दे दूँ, ताकि मेरे को अलग से आपको फीस ना देनी पड़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कॉमन जानकारी है उसके हमको पैसे नहीं चाहिए, और उसके अलावा हम बिना पैसे ले किसी से बात करते हैं नहीं। ओके, तो अब मैं इस वीडियो में आपको ना तीनों के बारे में समझाता हूँ, विच इज राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक है, तीन पकड़ लूंगा मैं। कुछ कुछ ना छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस भी आपको क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बाई चांस इस समय होम पेज हम उत्तराखंड के हैं तो पहले वो खोलता हूँ। शेड्यूल वेड्यूल तो सब आप देख चुके होंगे, वो मैं दिखाने का वो नहीं कर रहा मैं जहमत। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझना कैसे है। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी और इन तीनों स्टेट में क्या होता है, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा, तीनों में ना स्टेट कोटा होता है। तीनों के तीनों में स्टेट कोटा में कुछ, सॉरी, उत्तराखंड में फिर भी फीस का फर्क है, हरियाणा और राजस्थान में कोई फर्क नहीं है। तो समझाऊंगा मैं कि पर्पस क्या। पहले आते हैं उत्तराखंड, ऑल इंडिया सीट्स। ऑल इंडिया सीट्स मतलब जो नॉन राजस्थानी बच्चा ले सकता है, ठीक है, सॉरी, नॉन उत्तराखंडी बच्चा ले सकता है। हमें गुरु राम राय में 10 दिख रही हैं, जॉली ग्रांट में 6 दिख रही हैं, गौतम बुद्ध में 24, तो एग्जैक्ट 40 सीटें हो गई। तो इसी तरह से लोगों ने कहा मुझसे, सर 40 तो ये हो गई, और अब आप ये देखिए जो इनका स्टेट कोटा है इसमें भी बहुत सारी बची हुई हैं। खासकर अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो गुरु राम राय में टोटल देखिए आप 11 और 10, 21 और 24 और 25 बची हुई हैं, और यहाँ पर इतनी बची हुई हैं। तो क्या ये सब सीटें भी उत्तराखंड के बाहर वालों को मिल जाएंगी? तो देखिए नहीं, इस पे पहला अभी भी उत्तराखंड वालों का होगा इन तीन कॉलेजों में। और जैसा कि आपने देखा कि ऑल इंडिया में भी क्यों फ्री आई सीट, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो दो तीन जगह भरते हैं। भाई हिमालयन जॉली ग्रांट जैसा कॉलेज अगर लोगों ने छोड़ा है तो ये वही होंगे जिन्होंने जॉली ग्रांट भी भरा होगा राउंड टू में, और शायद पैरेलली राजस्थान के बच्चे होंगे, एमजीएम भरा होगा, वो मिल गया वहाँ पढ़ने चले गए। यूपी में शायद किसी को एसआरएम बरेली मिल गया, उसे लगा पैसे बच रहे हैं वहाँ चले गए। तो जैसे ये 6 बची, वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर 2 बची, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या 2 बची या 5 बची। बट दैट डजंट मीन कि ये ऑल इंडिया कोटा वालों को मिलेंगी, क्योंकि पहली बात तो सेम लॉजिक, उत्तराखंड स्टेट कोटा वाले भी जिन्होंने गौतम बुद्ध लिया है सब चाहेंगे पहुंचना गुरु राम राय, गुरु राम राय वाले चाहेंगे पहुंचना हिमालय। तो राउंड 3 में, और फिर जो मेजोरिटी सीटें हैं एससी या ओबीसी या एससी के अंदर, देखिए ये ऑर्फन कैटेगरी है, एक फिजिकल हैंडीकैप में हमेशा कहता हूँ, ये सब सीटें अब राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये सब सीटें अब मिलेंगी किनको, अनरिजर्व में आ जाएंगी, और फिर वो भी चलेगा अपग्रेडेशन का फंडा। तो इन सारी सीटों को देख के खुश मत हो जाइए कि सर देखिए जॉली ग्रांट में तो 11 सीटें स्टेट कोटा में भी, आप अपनी इन्हीं 6 सीटों पे ही फोकस कीजिएगा, हमें वही मिलने के चांस हैं जो स्टेट कोटा में मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है ना, तो उसके अलावा और कुछ नहीं मिलना। तो ये चीज़ की हम क्लैरिटी रखें कि इसका पर्पस क्या होता है, और यही सीटें हमको ज़्यादा मिलने के चांस है। और इसमें भी देखिए क्योंकि राउंड 2 टू राउंड 3 अपग्रेड अलाउड हो गया, ये ना बड़ा दिक्कत हो गया इस बार, तो उसका मतलब क्या कि जिसने भी गुरु राम राय ले रखा है बाकी बच्चों ने, वो सब इसके ट्राई कर रहे हैं, गौतम बुद्ध वाले इसके ट्राई कर रहे हैं, तो कोई नया बच्चा आता है कम नंबर वाला। लास्ट ईयर देखिए क्या हुआ था कि जिसने इस समय गौतम बुद्ध भी ले लिया, देखिए 24 ही बची हैं, लेट से हाफ सीटें जब स्टार्ट हुआ था 75 थी, अगर आधी सीटें मैं रफली बोल रहा हूँ तो 50 तो ज्वाइन कर चुके हैं ना, और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे, पर जो एमसीसी का रूल हो गया अपग्रेडेशन का, वही उत्तराखंड में है वही हरियाणा में है, तो उसी वजह से लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जा रहे हैं। तो आपको कहाँ से सीट मिलेगी कम नंबर वाले को? ज्यादा नंबर है आपके 450 नंबर है तो गुरु राम जॉलीगंज पक्का मिलेगा, 400, 380, 370 है गुरु राम राय पक्का मिल जाएगा, 200 के आसपास है तो गौतम बुद्ध मिल जाएगा, 220, 230, 240, 180, 190 ये मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ये हो गया उत्तराखंड। अब आ जाओ जी, हरियाणा आया है, खूब सारी सीटें आई हैं, और फिर से जो मैं हमेशा कहता था, देखिए
एनआरए सीटें सारी बची हुई थी, ये कॉलम होते हैं एनआरए के जो अब राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए तो साधोपुर में अब आप ये देख सकते हो कि 150 में से 46 सीटें बची हुई हैं, विच मीन्स 24 सीटें बाहर की बची हुई थी, 16 सीटें एनआरआई की इसके पास आई, 4 सीटें इसके पास ओपन कैटेगरी की आई। आपने देखा होगा कि बीसीए जो कैटेगरी सीटें थी सारी खत्म हो गई हैं। ठीक है, और अब 46 सीटें हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं। अल्फला में 26 आ गई हैं, एसजीटी में 22 सीटें हैं जिसमें मेजोरिटी एनआरआई है, बाकी लोगों ने ले ली जो होना ही चाहिए ना, कि राउंड 2 में क्यों हम लाख रुपए खराब करेंगे। एनसी में 44 हैं और वही वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में अभी भी 63 है, आदेश में 27 है। तो आप अगर 6 कॉलेज गिनेंगे, अटल बिहारी सरकारी वाला है, तो रफली आपके पास कितनी आ रही है, 46, 56, 72, 82, 92, 94, और तकरीबन ये 200। सो 200 सीटें अभी आपको हरियाणा भी दे रहा है प्राइवेट में, 200 सीटें। और हम जानते ही हैं कि झज्जर का कट ऑफ 220-225 गिर चुका था, साधोपुर तो 199 आ चुका था, तो आप ये मान के चलिए आराम से 180 प्लस वालों को हरियाणा निपटा देगा राउंड 2 में। सरकारी में भी देखिए बहुत सारी जो पीडब्ल्यूडी की सीट होती हैं ये अब कन्वर्ट होंगी तो नॉर्मल में चली जाएंगी, जो बीसीए तो मेरे ख्याल से मिल ही जाएंगे इतने। सरकारी की बात करें तो डेंटल है, और हम डेंटल में भी नज़र मार के चेक कर ही सकते हैं, देखिए 100-100 सीटें होती हैं और उसमें भी क्या हालत है डेंटल की, जो बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज डीएवी, उसमें भी 21 सीटें खाली हैं, पंचकुला में 60 खाली हैं, जमुना डेंटल में 89 खाली हैं, एंड आई थिंक दिस 89 आर आउट ऑफ 100, नॉट आउट ऑफ 150। तो यू कैन इमेजिन कि अभी तक टोटल कितने एडमिशन्स हुए हैं। सुतार स्तोरी फरीदाबाद में भी 28 खाली हैं, तो डेंटल की दशा थोड़ी सी दयनीय ही है। इस वीडियो में जो मैं आपको ज़्यादा दिखाना चाहता था वो आ गया अपना डियर राजस्थान, और क्योंकि ना मेरे पास दो लोगों के सवाल आ गए, तो देखिए राजस्थान में हमेशा की तरह पहली चॉइस राजस्थानी की रहेगी, करेक्ट, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अब राजस्थान को ही मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ओके okay? तो मैं आपको राय सर अब ठीक से समझाऊंगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है, और आप देखेंगे पहले ये समझिए से मतलब क्या है, क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो हमने देखी स्टेट मेरिट लिस्ट होम पेज पे, कहाँ जैसे वो परसों खत्म हुआ था ये आ गया। अब देखिए ये स्टेट मेरिट लिस्ट कंबाइंड है, इसमें राजस्थानी भी है नॉन राजस्थानी भी है, दैट्स इट इज कॉल्ड कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट, और यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका डोमिसाइल क्या है। क्लियर, टोटली कितने हैं, टोटल स्टेट मेरिट लिस्ट टोटल आ गए 13,254। ठीक, इनको नहीं पता ये बच्चा कहाँ का है, इन्हें पता है यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो राजस्थान। ठीक है, और कहीं पर जगह पर बीच बीच में भी होगा जो बाहर का हरियाणा का जो टॉपर बच्चा होगा, अच्छा बच्चा, मतलब जो बाहर वालों ने अप्लाई किया है तो कॉलम दिया हुआ है। अब इस 13,254 में ध्यान दीजिए, करा क्या है, तभी एग्जैक्ट वर्ड है 13,249, और यहाँ लिख दिया था 13,253, क्योंकि इनको पता था कि आखिरी के पाँचों राजस्थान है और नॉन राजस्थानी कहाँ खत्म हो रहा है, बिहार लास्ट 13,249 पे, राइट। तो ये लिखे जानबूझ के 13,249 एग्जैक्टली, इस लाइन को पढ़िए। तो जितने भी राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनको 18 तारीख को ही आना है, 17 को, 16 को, 15 को नहीं आना है। लोगों को क्या लगा था, ये देखिए कैंडिडेट की लोकेशन, मेरी तो स्टेट मेरिट रैंक 5,600 है तो मुझे 16 को पहुंचना है, तो ये सारे के सारे 17 तारीख तक सिर्फ राजस्थानी है। तो उन्होंने बोला राउंड 3 स्टेट मेरिट नंबर 1 to 100 आओ, फिलहाल उन्होंने बोला ऑल कैटेगरी आ जाओ, फिर बोला 100 से 1,800 दिन पहला खत्म, 1,800 से 2,500, 2,500 से 3,000, और जो लास्ट दिन नहीं आए थे उनको भी चांस देते हैं, आओ 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 सीट लो। फिर वो आ गए कि भाई स्टेट मेरिट नंबर शेड्यूल कास्ट, अब इन्होंने क्यों स्पेशल लिखा है 3,325, उससे पहले तो यहाँ बुला चुके हैं ना, अब इसके बाद उन्होंने बोला कि अब सिर्फ शेड्यूल कास्ट आ जाओ, क्योंकि इनको आखिरी मौका दिया जाएगा कि भाई तुमको सीट लेनी है या नहीं लेनी है, नहीं तो हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली अगले ने बुलाया शेड्यूल ट्राइब को, एसटीए को, और जब इनमें कोई नहीं आएगा तो फाइनली इन सबकी सीट कन्वर्ट करके दोबारा दे दी जाएगी किसको, अब जनरल कैटेगरी को। तो ये है राजस्थान जनरल कैटेगरी, तो 18 तारीख सुबह तक होगा राजस्थान, ठीक है ना।
तो जो भी राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं उन्हें 18 तारीख को पहुंचना है, पहली बात याद रखिए। दूसरा क्या आया था, अब ये देखिए, ये ना ऑफलाइन परफॉर्म आपको लेके, जैसे प्रिंटआउट ले लीजिए, वहां बैठोगे, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है, नाम आपका है, स्टेट मेरिट नंबर लिस्ट में से निकालना है, आपकी कैटेगरी चाहे उनके सामने भरना और अपनी चॉइस भर के रख लेना, और चाहे तो ब्लैंक पेपर हाथ में रख लेना, ठीक है। वहां पर स्टेज पर जाकर भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ऑफलाइन ही हो रहा है, तो ये तो है नहीं कि आपसे इकट्ठा ले लेंगे और ऑनलाइन करेंगे। तो ये मेरिट के हिसाब से देखते हो क्यों होता है, जैसे लिखा है ना 1 से 1,000, तो क्यों उसे दिन भर पूरा आधा दिन लग जाता है कि बच्चे को बकायदा बुलाया जाता है और उसे फिर पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, ठीक है। तो एक तो नॉन राजस्थानी याद रखना, आप सबका दिन एक ही है, 18 तारीख, क्लियर हो गया। बाकी सब बातें मैं आपको राजस्थान की पहले बता ही चुका हूँ। राजस्थान का स्टेट मैट्रिक्स देखोगे, राजस्थान का स्टेट मैट्रिक्स भी बहुत है, तो वो तो हमने बात की थी कि देखिए ये भी सीटें सारी प्राइवेट में अवेलेबल हैं, सो टोटल मिला के, और फिर ये वाली भी हैं, फीस का फर्क हो जाता है, कुल मिला के आराम से 600 से 700 सीटें राजस्थान में, 200 सीटें हरियाणा में, कहने को ये है कि 50 सीटें उत्तराखंड में, है ना। ये तीन बड़े स्टेट है, यूपी का भी आना है, नॉर्थ की बात करें पंजाब चूंकि क्लोज स्टेट है, मैं उसको ज़्यादा कवर नहीं करता क्योंकि उसके कस्टमर भी स्पेसिफिक है, उन्हें पता उन्हें क्या चाहिए। बट 800 से 900 सीटें हैं हमारे पास राउंड तीन में, पैनिक मत कीजिए। मेरा ये मानना है कि चाहे राजस्थान में हो, वहाँ आराम से अब 180+ के बच्चे निपटना शुरू हो जाएंगे। और तभी याद कीजिए, मतलब आई नो कि दिस मे नॉट बी द राइट फोरम, मैंने शुरू से कहा था कि पर राजस्थान देखिए महंगा पड़ता है, राइट, उत्तराखंड भी महंगा पड़ता है, तो हरियाणा में भी आपका काम 80 में होता है, और वो जो मैंने बोला कि जो 80 वाला कॉलेज है वो 200 में ख़त्म हो जाएगा, और वही है कि जो 140 से 200 वाले अगर 70 तक के बजट में देख रहे हैं तो इंडिया में एडमिशन मुश्किल है। राजस्थान में ईच एंड एवरी कॉलेज इज 1+, एंड उत्तराखंड इज मोटा मोटी 1+, हरियाणा में 2 कॉलेज आर 1+, 4 आर 80, एंड वो फिनिश हो जाएंगे 200 नंबर पे। सो 137 से 200 नंबर, अगर आपका बजट 70-75 है विद हॉस्टल एंड फूड, और देखिए मैं हमेशा जो फिगर बोलता हूँ वो विद हॉस्टल फूड बोलता हूँ, तो नेपाल का फॉर्म खुला हुआ है, 1 अक्टूबर तो खुला रहेगा, फिर भी आप और 10 दिन चांस मार लीजिए, नहीं तो आप एक लिए नेपाल है कि आपका काम 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करके, क्योंकि मैं इंटर्नशिप डबल हो जाएगी ना, पहले नेपाल में फिर इंडिया में, फिर आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।